हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू eVidyarthi.in। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सेम एक्सरसाइज 13.7। सो ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। सेम फिगर के साथ हमें काम करना है। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। क्या है कि जो क्वेश्चन हमने अपना जो फिगर एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, अपना राइट ट्रायंगल फिर से बनाते हैं। लेकिन राइट ट्रायंगल को बनाने से पहले हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस बार जो रिवॉल्व होगा हमारा ट्रायंगल, वो अपनी छोटी साइड 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक हाइट एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन ये हम थोड़ा सा अपना इसे लंबा ले लेते हैं और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, विच इज गोइंग टू बी 13। तो ये जो हमारा बेस बना है, दिस इज गोइंग टू बी 12 एंड दिस इज 5। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमारे परपेंडिकुलर के अलोंग ये जो ट्राइंगल है ये रिवॉल्व हुआ है। दैट मीन्स कि इस टाइप का हमारे पास कोई ना कोई फिगर आया है। सो अगेन अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मूव कर दूं तो ये हमारा अगेन एक कोन बन गया। ठीक है, सो मुझे जितना भी यहाँ पर डायमेंशंस पुट करनी है बिल्कुल इसी के हिसाब से होगा। ये हमारी अगेन 13 हो जाएगी। इतना सा हिस्सा विच सर्व एज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, वो हमारा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइट है कोन की, दैट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। सो जो भी हमारे पास एक सॉलिड आया है, अगेन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। सो अगर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, वी नो 1/3 πr² h, इतना ही हमें पता है। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3, अगेन पाई की वैल्यू अभी हम नहीं निकालेंगे। आर इस केस में हमारे पास क्या है, 12 × 12 का स्क्वायर। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि 3 से कहीं ना कहीं पे पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी कि वो कट हो सके, कैंसिल हो सके, तो इसलिए मैंने क्या किया, 12 और 12 को ऐसे लिख लिया। देन h हमारा 5 हो गया, विच इज दी हाइट हियर। सो चलो लेट्स सॉल्व इट लाइक दिस। सो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, 12 × 5 = 4 × 5 = 20 × 12 = 24। तो 240 πr। सो अब हमारे पास जो नया वॉल्यूम आया है इस केस में, वो कितना आ गया, 240 πr, 4 × 5 = 20 × 12 = 240। ठीक है, सो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया ऑफ द न्यू शेप दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं है। आगे हमसे पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन द अबव क्वेश्चन 7 और 8। दोनों क्वेश्चन में हमारे पास जितना भी वॉल्यूम आया है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो हमें क्वेश्चन 7 में ऑब्टेन हुआ है, दैट इज 100 πr, उसका एक हमें रेशियो निकालना है। दूसरा हमें उसके साथ किसके साथ कंपेयर करना है, जो सेकंड हमारी फिगर आई है उसके साथ। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, लेट्स डू इट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। दोनों को अगर हम 2 से सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पर 5 πr² सो द रेशियो वी गॉट हियर इज 5:12। यानी कि दोनों वॉल्यूम जो हमने ऑब्टेन करे हैं, दे आर इन द रेशियो 5:12। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो 12 आपका सबसे पहले क्या था, 12 आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, यानी कि वो जिसके अराउंड आपका पहला वाला ट्राइंगल रिवॉल्व किया था। सिमिलरली अगर आप सेकेंड फिगर को देखोगे, सो 5 वॉज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और द डायमेंशन जिसके अराउंड आपने अपने ट्राइंगल को रिवॉल्व किया था। सो रेशियो भी उसी से कनेक्टेड आया है, बस ऑपोजिट है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बोथ दीज क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ वो एक ही चैप्टर, एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स को इनकल्केट कर सकते हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें रेशियो चेक कर दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, ऐसे आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।